सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर अवस्थी और मैं आपके सामने आज वीडियो की उसी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ जिसमें लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था। आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग टॉपिक से हट कर थोड़ी सी बात करेंगे। आज हम लोग एक वीडियो में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज से मैं हिस्ट्री के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और हम लोग इस हिस्ट्री वाली क्लास में एक एक चीज़ को समझेंगे कि भारत का इतिहास या पूरे इतिहास जो है वो कहाँ से आया, कैसे बना, किस तरीके से इतिहास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे और वीडियो के एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या फ्यूचर में या भविष्य पास्ट में हम लोगों से कई बार पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चन जिनका जो वीडियो के एग्जाम में आए हैं या अन्य एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग उस पार्ट को स्टार्ट करते हुए। सबसे पहले तो हम लोगों को एक चीज़ ये जानना है कि इतिहास है क्या, इतिहास के बारे में समझना है कि इतिहास क्या है, इतिहास जो है हम लोगों के इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस से बात करेंगे और इस वीडियो में समझेंगे कि इतिहास जो है वो कहाँ से आया है, कैसे इस इतिहास के बारे में पढ़ना। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना है कि इतिहास जो है वो हमें हमारे जो सिलेबस में इतिहास है हम लोगों को किस इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये जानना है कि इतिहास जो है वो एक वर्ल्ड का इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और एक अपने देश का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ध्यान ही रखना है कि हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतिहास में पूरे विश्व के इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इंडियन हिस्ट्री जो भारतीय इतिहास है केवल उसके बारे में पढ़ना है। हम लोगों से केवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही पूछा जाता है। अब इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो इंडियन हिस्ट्री में भी कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है ये भी हम लोगों को बात करनी पड़ेगी कि इंडियन हिस्ट्री में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय इतिहास में हुई, तो क्या उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो एक चीज़ आप ये भी समझ जाइए कि भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लेकिन हमें उन सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को केवल उसके बारे में पढ़ना है जिसके लिए हमारे पास एक स्रोत है, सोर्सेस हैं, या हम कह सकते हैं जिनके बारे में हमारे पास लिखित रूप से जानकारी है, केवल हमें उनके बारे में ही पढ़ना है। बाकी अगर हम इतिहास को पढ़ने बैठ जाएंगे तो इतिहास तो इतना लंबा इतिहास है कि उसको हम कभी भी ना तो समाप्त कर सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि भारतीय इतिहास में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ही हमें पढ़ना है, सारा इतिहास हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये इतिहास शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए, ये ग्रीक शब्द है, ये एक यूनानी शब्द जिसको हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं, हिस्टोरिया शब्द है जो कि एक यूनानी शब्द है जिसे हम लोग ग्रीक शब्द भी कह सकते हैं, इससे इतिहास शब्द का की स्थापना जो है वो निर्माण किया गया है। हिस्ट्री शब्द जो है वो हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है, इतिहास शब्द। अब हिस्टोरिया शब्द जो है इतिहास शब्द से तो इतिहास इससे तो बना हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक ग्रीक के महान विद्वान थे, एक वैज्ञानिक थे हम कह सकते हैं, जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जा सकता है। जो भारतीय इतिहास है या विश्व का जो इतिहास है ये जो है हेरोडोटस ने बताया। अगर हेरोडोटस ना होता तो हम लोगों को इतिहास के बारे में कुछ भी पता ना चल पाता, तो इसीलिए इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, जो कि हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है, और हेरोडोटस ने इस हिस्टोरिका बुक में पूरे इतिहास के बारे में बताया है कि इतिहास क्या है, इतिहास में लोगों को क्या क्या चीज़ें जाननी है। तो उस पूरे के बारे में जो है वो हेरोडोटस ने बताया है, इसीलिए हम लोग इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्टोरिया शब्द जो है ग्रीक शब्द है, और हिस्टोरिया शब्द में जो कि ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, यूनान के ही वैज्ञानिक थे या विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, जिनकी फेमस बुक है हिस्टोरिका, इसमें इस इतिहास के बारे में पूर्णतया जिक्र किया गया है, पूर्णतया बताया गया है, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब
हम लोगों ने ये चीज़ तो समझ ली। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो हम लोगों को जानना यह है कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये इतिहास जो है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है या फिर इसके स्रोत कहाँ से, हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसके क्या क्या सोर्सेस हैं। तो जो इंडियन हिस्ट्री है, इस इंडियन हिस्ट्री के केवल तीन स्रोत्र हैं या तीन सोर्सेस हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले सोर्सेस की बात की जाए तो सबसे पहला स्रोत है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब हो गया कि वह स्रोत जो पुरातत्व विभाग द्वारा हमें दिया गया है, उसे हम लोग एरोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब इस एरोलॉजिकल जो सोर्सेस है, इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इन्होंने हमें क्या क्या बताया, इन्होंने हमें किलों के बारे में बताया है, स्मारकों के बारे में बताया है, जो सिक्के प्राचीन काल में चलते थे उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी है, स्तूप बताए हैं, या जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके बारे में इन्होंने पुरातात्विक स्रोतों ने बताया। तो हम लोगों को किले और स्मारकों के बारे में पढ़ना है, सिक्कों के बारे में पढ़ना है, स्तूप के बारे में पढ़ना है, अभिलेख के बारे में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लें किला या स्मारक की बात कर लें, तो हम लोगों को पता है कि दिल्ली में लाल किला है, और लाल किला का जो निर्माण है हम लोगों को जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलता है कि लाल किले का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने बनाया था, औरंगजेब ने करवाया था। तो इससे ये मालूम चलता है कि औरंगजेब जो था एक महान शासक था जिसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया। तो ये हमें एक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो पुरातात्विक स्रोत के द्वारा हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हम सिक्कों की बात करते हैं, तो सिक्कों के बारे में अगर जानते हैं तो सबसे पहले सिक्का जो है समुद्रगुप्त के समय में चलाया गया था, उसमें उन्होंने जो सिक्के चलाए थे उस सिक्के में उन्होंने अपनी जो फोटो थी वो लगाई थी सिक्के में, और उस सिक्के में जो फोटो थी उस सिक्के में वो लोग जो वीड़ा था उसको बजाते हुए फोटो लगाई थी, अपना चित्र उसमें प्रस्तुत करवाया था। तो इससे ये मालूम चलता है कि जो सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त के समय में चलाया गया बनाए गए थे, और उस सिक्के में समुद्रगुप्त जो है वो वीड़ा बनाते हुए दर्शाए गए हैं। तो हम ये भी जान सकते हैं कि जो इतिहास में समुद्रगुप्त था जो कि वीड़ा वादक था वो वीड़ा बजाता था, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे इतिहास का अगर सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात की जाए तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो होगा वो हमारा वीणा वादक हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ से यहाँ पर पुरातात्विक सोच से हमें ये भी जानकारी मिलती है, अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर बात की जाए तो अभिलेख, सबसे पुराने अभिलेख जो है या सबसे ज़्यादा अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा अभिलेख जो हैं वो हमें अशोक के मौर्य वंश के समय में अशोक के शासनकाल में प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अशोक था वो सबसे ज़्यादा अभिलेखों का निर्माण कराता था, वो अपनी भाषा में उसमें लिखता था, जिसको पढ़कर हम लोग जान सकते हैं कि किसी प्राचीन काल में या इतिहास में अशोक नाम का कोई व्यक्ति था, शासक आया था जिसने अभिलेखों का निर्माण कराया था। तो इससे भी हम लोगों को इतिहास के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लोगों के लिए इतिहास को जानने का ये पहला स्रोत बनकर आता है, जिसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स कह सकते हैं या पुरातात्विक स्रोत के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरे अगर सोर्स की बात की जाए तो दूसरा स्रोत जो होता है वो लिटरेरी सोर्स होता है, जिसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब इस साहित्यिक स्रोत को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रिलीजियस सोर्सेस होता है, एक नॉन रिलीजियस सोर्सेस होता है। रिलीजियस सोर्सेस की बात की जाए तो रिलीजियस सोर्सेस के अंतर्गत वो सोर्सेस हैं जिसमें हम लोगों को अपने वेदों के बारे में पढ़ने को मिलता है, ग्रंथों के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो ये भी एक रिलीजियस सोर्सेज के अंतर्गत धार्मिक स्रोत जिसे हम कह सकते हैं। नॉन रिलीजियस सोर्सेज का मतलब हो गया जितने भी प्राचीन व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी, जिन्होंने अपने बारे में बताया, तो वो नॉन रिलीजियस सोर्सेज में आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त ने अपने बारे में किताबों में लिखा, तो भी नॉन रिलीजियस सोर्सेज के अंतर्गत आ जाएगा। चाणक्य थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी, वो भी नॉन रिलीजियस सोर्सेज के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो है ये हमारा दूसरा सोर्सेस हो जाएगा जिसको हम लोग रिलीजियस सोर्सेस और नॉन रिलीजियस सोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं, ये जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारा दूसरा सोर्सेस था जिससे हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। अगर हम तीसरा सोर्सेस जो है वो डिस्क्रिप्शन और फॉरेन ट्रेवलर, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हमें अपने इतिहास में विदेशी यात्रियों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है, ये भी हमारे लिए एक सोर्सेस का काम करता है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर में बहुत से ऐसे जो हैं विदेशी यात्री आए जिन्होंने अपने देश में आके देखा, आके अपने देश को,
और उन्होंने जब अपने देश वापस लौट कर गए तो वहाँ पर उन्होंने अपने हमारे देश की अपने देशों के बारे में बताया कि भारत एक देश है जिसमें इस प्रकार की सभ्यता पाई जाती है, इस प्रकार के लोग रहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकें भी लिखी जिसमें उन्होंने भारत के बारे में बताया, इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा। तो यहाँ पर हमें ये भी एक स्रोत के रूप में ही प्राप्त होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारे इतिहास का तीसरा स्रोत है जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर के नाम से भी जाना जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इतिहास को जानने के केवल तीन ही स्रोत हैं जिनमें से एक स्रोत जो है वो पुरातात्विक स्रोत है, एक स्रोत जो है वो हमारा रिलीजियस स्रोत या नॉन रिलीजियस स्रोत जिसको हम लोग कह सकते हैं वैदिक काल या धार्मिक जो भी जितने भी काल हुए वो सब हमारे रिलीजियस सोर्सेज या नॉन रिलीजियस सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा सोर्सेज जो है वो फॉरेन ट्रेवलर जो विदेशी यात्री हैं जिनका विवरण हम लोगों को प्राप्त हुआ है इसके बारे में हम लोगों को इसके बारे में हम लोगों को पढ़ने में मिलता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि बहुत से ऐसे विदेशी यात्री हैं जिनके नाम जैसे मेगस्थनीस था, चीन से आया हुआ फ्रॉन या वाइन सॉन्ग था, और बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो जिन्होंने अपने देश में यात्रा की जो कि विदेशी यात्री के रूप में आए। तो इस प्रकार से हम लोग सोर्सेस के माध्यम से अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिनको हम लोगों को पढ़ना है। अगर हम पहले बात करें तो पहला पार्ट जो है वो प्राचीन भारत है जिसे हम लोग एशियंट हिस्ट्री कह सकते हैं, इंडियन एशियंट इंडियन कह सकते हैं, मॉडर्न इंडियन मतलब मध्यकालीन भारत कह सकते हैं, और मॉडर्न इंडियन आधुनिक काल कह सकते हैं। तो भारत इतिहास जो है वो तीन अलग अलग भागों में बटा हुआ है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल, आधुनिक भारत भी कह सकते हैं। अब इन तीनों ही कालों में अगर बात की जाए, इन तीनों ही जो एसेंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो भारत का प्राचीन भारत एसेंट हिस्ट्री है। इसीलिए इंडियन एसेंट हिस्ट्री को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है प्रगतिहासिक काल, एक अर्ध प्रगतिहासिक काल है, एक ऐतिहासिक काल है। तो इस प्रकार से ये एशियंट इंडियन जो प्राचीन भारत है इसे भी तीन अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब कहा जाए इन तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर ये है कि प्रगतिहासिक काल का जो मानव था उसके अंदर किसी भी प्रकार की सभ्यता नहीं थी। इसके बारे में हम लोगों को पता तो है कि प्रगतिहासिक काल है, लेकिन अगर लिखित रूप में बात की जाए कि क्या प्रगतिहासिक काल के बारे में लिखित रूप में कोई विवरण प्राप्त हुआ है, तो आज तक प्रगतिहासिक काल के बारे में हम लोगों को लिखित रूप में कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि इस समय का मानव जो था उसे लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था। अगर उसे लिखना पढ़ना आता होता तो हमें लिखित रूप में कुछ प्राप्त होता, तो हमें अगर लिखित रूप में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है तो इस समय का मानव जो था वो बिल्कुल किसी प्रकार की उसके अंदर सभ्यता नहीं थी, वो सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, वो एक साधारण मानव था जैसे हम लोग आदिमानव कह सकते हैं जिन्होंने पत्थरों को रगड़ कर उससे आग जलाना सीखा। इस प्रकार के मानव जो थे वो प्रगतिहासिक काल में पाए गए। अब प्रगतिहासिक काल से अर्ध प्रगत ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें मानव जो है वो सिविलाइज्ड हो चुके थे, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उन्होंने जो लिपि यूज की थी उसमें उन्होंने कई प्रकार के चित्रण का यूज किया था, चित्र बनाए थे, चित्र के भाषा का यूज किया था, तो जिसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है, उसे नहीं पढ़ा जा सका है। तो हम कह सकते हैं कि इस समय के भारतीय जो थे वो सिविलाइज तो हो रहे थे, लेकिन उनकी भाषा जो है उन्हें आज तक पढ़ने में मदद नहीं मिल पाई है। इसलिए यहाँ से यहाँ का मानव थोड़ा सा सिविलाइज हो चुका था। अगर ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो ऐतिहासिक काल का जो मानव था वो पूर्णतया सिविलाइज था। यहाँ पर जिन्होंने जो कुछ भी लिखा था अपने काल में, जो कुछ बताया था, उस सभी के बारे में अभी तक पढ़ा जा चुका है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी है, लिखित रूप में प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल का मानव सबसे ज़्यादा सिविलाइज था। तो ये इन तीनों में अंतर है कि इसमें, इसमें और इसमें ये अंतर है। लेकिन अगर तीनों में बात की जाए तो तीनों में सबसे बड़ा काल जो था वो प्रगतिहासिक काल था। इसीलिए इस प्रगतिहासिक काल को हम लोग फिर से दो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, एक पाषाण युग और एक ताम्र युग। पाषाण युग में और ताम्र युग में सबसे बड़े युग की अगर बात की जाए, सबसे बड़े काल की बात की जाए, तो सबसे बड़ा काल इसमें पाषाण युग है, पाषाण काल है। इसीलिए इस पाषाण काल को भी तीन अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा काल है मध्य पाषाण काल और तीसरा काल है नव पाषाण काल।
इसीलिए पाषाण काल को तीन भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में डिवाइड किया गया है। अब अगर हम इनकी सन की बात की जाए कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक रहा, तो पूरा पाषाण काल का प्रारंभ कब से हुआ ये अभी तक किसी को नहीं जानकारी है, लेकिन अंत जो है वो 8000 BC में हुआ था जाके, मतलब स्टार्टिंग के बारे में तो नहीं पता है लेकिन अंत जो है वो 8000 BC में किया गया था। 8000 BC से 4000 BC तक मध्य पाषाण काल का युग रहा और 4000 BC से 2500 BC तक जो है वो नौ पाषाण काल का युग रहा। ये सन हमें याद रखना है कि अननोन से स्टार्टिंग कब से हुई है पूरा पाषाण काल की ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन अंत 8000 BC में हुआ था। 8000 से 4000 BC तक मध्य पाषाण काल रहा और मध्य पाषाण काल के बाद नौ पाषाण काल जो है वो 4000 से 2500 तक रहा। 2500 BC के बाद से लेकर जब स्टार्टिंग हुई तो उस 2500 से स्टार्टिंग जो हुई थी वो अध प्रागैतिहासिक काल की हुई थी। अध ऐतिहासिक काल की स्टार्टिंग जो है वो 2500 BC पर हुई थी, लेकिन जिस समय 2500 BC में इसकी स्टार्टिंग हुई थी उसी समय यहाँ पर ताम्र युग का भी समय आ गया था। ताम्र युग भी जो था वो 2500 BC से ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन इस समय ताम्र युग में व्यक्ति को या मानव को तांबे की धातु के बारे में मालूम चल चुका था। जब ताम्र युग का प्रारंभ हुआ तो उस समय मानव को तांबे की धातु का पता चल चुका था। इसी तांबे की धातु में जब हम ऐतिहासिक काल में पहुंचे 2500 BC में, तो इस समय मनुष्य को लोहे के बारे में या आयरन के बारे में जानकारी हुई तो उसने लोहे को तांबे में मिलाकर उससे धातु बनाना प्रारंभ किया, जिसको हम लोग निकिल भी कह सकते हैं, निकिल की धातु बनाना प्रारंभ किया। इसीलिए इस ऐतिहासिक काल को, अध ऐतिहासिक काल को हम लोग लौह पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल को हम लोग लौह पाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि यहां से ताम्र युग में जब मनुष्य तांबा बनाना प्रारंभ कर चुका था 2500 BC में, तो इसी तांबे का प्रयोग, क्योंकि अध ऐतिहासिक काल में मानव ने लोहे की खोज की और इस लोहे को तांबे से मिलाकर उसने निकिल धातु का निर्माण किया और उस निकिल धातु के कारण इस काल का नाम लौह पाषाण काल रखा गया, जिसकी स्टार्टिंग 2500 BC से हुई थी। और इसी ऐतिहासिक काल में भारत की दो महत्वपूर्ण सभ्यताओं का जन्म भी हुआ। उन दो महत्वपूर्ण सभ्यताओं की अगर बात की जाए तो उनमें से पहली सभ्यता का नाम था सिंधु सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के किनारे बनाई गई थी, जो उसकी सिंधु सभ्यता थी। और दूसरी सभ्यता जो थी उसका नाम था वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ये दोनों ही सभ्यता जो हैं वो अध ऐतिहासिक काल में लौह पाषाण युग काल में प्रारंभ की थी। ये दोनों ही सभ्यता भारत की इन दो अध ऐतिहासिक काल के समय में प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ तक हम लोग समझ के ये जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो प्रागैतिहासिक काल है, अर्धप्रागैतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। जितना आज हमने आपको बताया है उसे आपको डीपली अच्छे तरीके से पढ़ के देखना है। अगले वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग इसी के आगे से करेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में और ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने क्या क्या किया है, इन सभी के बारे में हम लोगों को अगले वीडियो में पढ़ना है। तो आप लोग इस वीडियो को दो तीन बार देखें क्योंकि हम लोग इस हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे कि एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चंस को हम लोगों को टिक करना है, उसे सॉल्व करके आना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसे हम लोग ना कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर समझ में अच्छा आता है, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम्स करती है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप ज़रूर कमेंट्स करिए, बताइए कि सर ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें, ये सुधार होने चाहिए वीडियो में, तो सुधार के बारे में मैं सोचूंगा और अगर बनेगा तो मैं उस पर सुधार जरूर करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के आगे वाले पार्ट्स को लेते हुए। तब तक आप इस वीडियो को दो तीन बार देखिए और समझिए कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या आपको लग रहा है कि ये पॉइंट्स यहाँ पर छूट रहे हैं तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स पर जाके कमेंट करिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।